प्रिय विद्यार्थियों, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 बसंत का अध्याय 11 रहीम के दोहे। अपने दोहों में रहीम ने हमें बहुत सी सीखे दी हैं। रहीम ने बहुत सारे दोहे लिखे। आपके अध्याय में कुल 5 दोहे दिए गए हैं, जिनमें से हम एक एक दोहे का अर्थ और भावार्थ को समझेंगे। सबसे पहला दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुत हित, विपत्ति कसोटी जे कसे तेही साचे मीत। यानी कवि रहीम दास जी कहते हैं कि धन दौलत के रहते हुए बहुत से मित्र बन जाते हैं। कई प्रकार से धनवान व्यक्ति से अपना संबंध बना लेते हैं। यानी बहुत से लोग होते हैं जो किसी भी धनवान व्यक्ति से अपना संबंध बना लेते हैं, परंतु जो मित्र विपत्ति में मनुष्य का साथ दे, उसकी सहायता करे, वही मित्रता की कसौटी पर खरा उतरता है। यानी रहीम कहते हैं कि संपत्ति रहने पर बहुत सारे व्यक्ति मित्र बन जाते हैं, परंतु जब सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति में साथ निभाता है। दोहा नंबर 2, जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तौन छाड़ती छो है। यहां रहीम कहते हैं कि जाल के पड़ने यानी जल में पड़ने पर, जैसे मछली पकड़ने का जाल होता है वो जल में पड़ता है, जब मछली को जाल में छोड़कर वह चला जाता है, किंतु मछली जल का साथ नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए जल के अभाव में वह तड़प तड़प कर मर जाती है। मछली के जाल में फंस जाने पर पानी तो बह जाता है, परंतु मछली जल से अपने प्रेम के कारण प्राण त्याग देती है। यानी मछली को अपने जाल जल से कितना स्नेह है वह इसमें बताया गया है। अब हम अगली ऑनलाइन क्लास में शेष बचे दो का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।